पूरी तैयारी चल रही है, हमारी पूरी टीम जो है विधानसभाओं में, अनेकों विधानसभाओं में जाके लोगों से संपर्क कर रही है, उनको निमंत्रण देने का काम कर रही है। और 1 नवंबर 2023 का कार्यक्रम हरियाणा के इतिहास में एक अध्याय लिखने का काम करेगा। 1 नवंबर को इस नए हरियाणा की नींव रखी जाएगी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ था और उसके बाद से आज तक राजनीतिक दलों के, अनेकों दलों की जो सत्ताएं इस प्रदेश में रही है, उनकी कार्यशैली की वजह से आज प्रदेश का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लुटा हुआ महसूस कर रहा है। और मौजूदा सरकार ने तो आज प्रदेश के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। और उन्हीं सब बातों को लेकर आज प्रदेश के बेरोजगार, जो बेरोजगारी में नंबर वन होकर आज ऐसी मानसिक हालात से गुजरते हुए वो नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है, उसको बचाने के लिए, प्रदेश के किसान की हालत बद से बदतर हो गई है उसको खुशहाल करने के लिए, प्रदेश के गरीब मजदूर किसान को जो इतना दब गया है उसको उस दलदल से बाहर निकालने के लिए, और महंगाई और लूट और भ्रष्टाचार से इस प्रदेश को बाहर निकालकर विकास की पटड़ी पर ले जाने के लिए की सोच लेकर हमने एक नई सोच के युवाओं को, क्योंकि राजनीतिक दल सिर्फ अपने पिछलुगु और चाटुकार लोगों को ही टिकटें देकर जनता के बीच में छोड़ती है, हम ऐसा प्लेटफार्म जो इस समाज के पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान, जो किसान मजदूर और छोटे कर्मचारी और व्यापारी के बेटा बेटी हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, ईमानदार और अच्छी सोच के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, उनको वो प्लेटफार्म मुहैया कराकर युवाओं की राजनीति में ज़्यादा भागीदारी हो और नए तरीके की सोच की राजनीति हो, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति हो, वो प्लेटफार्म हम इस हमारी पार्टी के माध्यम से युवाओं को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम 1 नवंबर को हमने पार्टी क्यों बनाई, क्या जरूरत पड़ गई इस पार्टी को बनाने की, वो चीज लोगों के सामने क्लियर करेंगे। हमारे किस एजेंडे पर, किस नीति पर, किस सोच पर, किस विचारधारा पे हमारा एजेंडा होगा, रोडमैप होगा, वो लोगों के सामने क्लियर करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर करेंगे। इन सब बात, तमाम बातों को लेकर एक रैली, उसका नाम 2-3 दिन में हम अनाउंस कर देंगे इसी वीक में, उसके माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प, 1 नवंबर 2023 को नए हरियाणा की नींव रखने का काम, विकसित हरियाणा की नींव रखने का, खुशहाल हरियाणा की नींव रखने का, जिस हरियाणा की पहचान थी जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा, उसी प्रकार के उस हरियाणा की नींव जो हर उसमें अग्रणीय होगा, हर क्षेत्र में अग्रणीय होगा, और यहाँ भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, और देश के आगे बढ़ाने में इस हरियाणा प्रदेश का अहम भूमिका होगी, उस श्रेणी में अपने प्रदेश को लेके जाएं, इस सोच के साथ 1 नवंबर को एक नई आगाज करेंगे। देखिए, आज देश और प्रदेश के लोगों के सामने यही एक बहुत बड़ा सवाल है, जो एक दूसरे पे बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लांछन लगाने वाले ये दल, और जब इनको सत्ता हासिल करनी हो तो सारी चीजों भूलकर एक एक टेबल पर बैठ कर ये इकट्ठे होकर सत्ता हासिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है एक देश और प्रदेश के लोगों के सामने। और वही सब अब होने जा रहा है कि सिर्फ सत्ता चाहिए इनको, उसके लिए किसी से भी कोई मेल जोल, कोई भी गठबंधन करें, उसके लिए लोग तैयार हैं, वो वही उसका नतीजा है कि आज ये अपनी नीति और नियत और अपने मैनिफेस्टो से नहीं, क्योंकि इन सब ने पहले सरकारें रही हैं, इन सब की इनकी कार्यशैली को लोग जानते हैं, अब लोग परेशान हैं इनकी झूठ और लूट और ये सपने दिखाने की राजनीति से। अब आज की मौजूदा सरकार भाजपा और जजपा की सरकार, आज पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति, हर वर्ग आज पीड़ित और परेशान है,
लेकिन उसके सामने उसको किस एजेंडे को लेके हम उसको सत्ता से बाहर करें, ये नीयत किसी की नहीं है। इस प्रकार का विजन नहीं लेके चल रहे हो। वो एक दूसरे को इकट्ठे हो गए सारे और उनको बाहर करके अपना राज हासिल करने के लिए सोच लेकर ये सब हो रखा है, मेरा ये मानना है। बाकी तो प्रदेश के लोग इनकी सबकी कार्यशैली से भरी भली भांति परिचित भी है। देखिए, उस बारे में मैंने ना विचार किया है, ना मेरा जो उद्देश्य है वो सत्ता हासिल करना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस प्रदेश को बचाना है। मेरा उद्देश्य आज के हमारे प्रदेश की युवा की जो हालत, जो बेरोजगारी ने कर दी है, उससे उसको बाहर निकलना है। मेरा उद्देश्य प्रदेश के किसान जो आज बहुत ही बदहाली की हालत में गुजर रहा है, ऐसे दौर से गुजर रहा है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए। मेरा उद्देश्य प्रदेश के किसान मजदूर गरीब कमेरा वर्ग को जो आज जिस हालत से इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाकर आज उसको तोड़ दिया, आर्थिक रूप से वो टूट चुका है, उसको खड़ा कैसे किया जाए। आज प्रदेश में महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पे है, उससे जो है ना प्रदेश को कैसे बाहर निकाला जाए। आप सरेआम देखते होंगे कब परसों की पानीपत की घटना, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, चारों तरफ हाहाकार मचे हुए हैं, सरेआम रात को जो है ना चोरियां, डकैतियां, लूट, अपराध, नशा इतना बढ़ गया है कि प्रदेश आज ये हरियाणा प्रदेश जिसका एक अलग नाम था, एक अलग पहचान थी हरियाणा की संस्कृति और भाईचारे की, आज पूरी तरह से खंडित हो चुका है। उस प्रदेश को बचाने की सोच है मेरी, राज करने की सोच नहीं है। थैंक यू।